शहर में 80 करोड़ रुपए से मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शुरू किया गया है। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत इसे एमएचपीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व गंगा इंफ्रा बिल्ड मिलकर बनाएंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसका लोकार्पण लखनऊ से किया था। भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी, मंडलायुक्त राजशेखर और नगर आयुक्त व कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जीएम शिव शरण ने इसकी शुरुआत की। सांसद पचौरी ने बताया कि 90 करोड़ मॉडल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शुरू हो गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 500 सीटों का आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। 16,000 वर्ग फीट और 12,000 वर्ग फीट के एग्जीबिशन हॉल भी होंगे। इसका अलावा 300 सीटों का कॉन्फ्रेंस रूम, 100 बैठक रूम के साथ 6 गेस्ट रूम, तो स्वीट रूम, इसके अलावा 8,000 वर्ग फुट पर फूड कोर्ट भी होगा। देखिए, हम लोग जो है कानपुर के चुन्नीगंज क्षेत्र में इस कन्वेंशन सेंटर निर्माणाधीन है, स्मार्ट सिटी के और नगर निगम के ज्वाइंट एफर्ट से बन रहा है। भूमि जो है नगर निगम का है और जो निर्माण कर रहा है वो कानपुर स्मार्ट सिटी अपने फंड से कर रहा है। और जैसा आपको ये होगा कि जैसा आप देखेंगे तो लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, जहाँ पर कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हो या उस तरह के एग्जीबिशंस हो, होते रहते हैं, क्योंकि पहला ऐसा इंडस्ट्रियल अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो वो जो है कानपुर ही है। कानपुर में इंडस्ट्रीज है, यहाँ बहुत सारे जो है व्यवसाय पहले से चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा जो है जगह जहाँ पे कि कॉन्फ्रेंसेस बड़े हो सके या एग्जीबिशन हो सके, उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। तो ये कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा ये टेकअप किया गया है ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को नगर निगम द्वारा ज़मीन दी गई है चुन्नीगंज में, क्योंकि सिटी के सेंटर में है तो बहुत उपयुक्त इसमें ज़मीन थी इस पर, और उसको देखते हुए ये लगभग 90 करोड़ के आसपास में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और 4 महीना हो गया हमारा प्रोजेक्ट जो है शुरू हो गया है। आज उसके जो एलिवेशन है, फसाद डिज़ाइन आप पीछे देखेंगे तो इसका जो है आज जो है इसको ओपनिंग किया गया है पब्लिक के लिए कि इस तरह से हमारा वो बन के आएगा। तो ऐसा इसका जो है, क्योंकि टोटल 2 साल में कंप्लीट करनी थी, अभी हमारा 4 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी 1.5 साल में हम इसको पूरा कर लेंगे। हमारा टारगेट है कि 23 दिसंबर तक इसको पूरा कंप्लीट करके पब्लिक को इसको जो है ये करें। कानपुर में प्रदेश का पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा, जिसका निरीक्षण आज शहर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने किया है। उनसे ही बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे होने वाली हैं, किस तरीके से आपने निरीक्षण में क्या कुछ पाया है? देखिए, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है कानपुर में, सबसे तकनीकी दृष्टि से सबसे अच्छा है, और इन्होंने वर्टिकल की जगह पैरेलल लिया है ऊपर, ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिले। मेन जो ध्येय है, उद्देश्य है कि यहाँ पर औद्योगिक का बायर सेलर मीट हो सकें, प्रदर्शनी लग सकें, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो सकें, ताकि जो कानपुर औद्योगिक शहर है वहाँ इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले। कितने की लागत से बनाया जा रहा है? ये 90 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि नवंबर 2023 में ये तैयार हो जाए। आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ निरीक्षण में देखा? मैंने निरीक्षण में देखा है कि मैं समझता हूँ मैं जो सोचता था उससे अच्छा बन रहा है, और इन्होंने जो कंसेप्ट लिया है बहुत अच्छा लिया है। मेरी इनकी, जब मैं सांसद बना था तो मेरी ये इच्छा थी कि कानपुर में कन्वेंशन सेंटर बने, और मैं समझता हूँ यहाँ के कमिश्नर साहब ने और सारे अधिकारियों ने, नगर आयुक्त ने, वो मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने में शुरुआत की, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये थे सांसद सत्यदेव पचौरी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ सुविधाएं से लैस होने वाला है ये कन्वेंशन सेंटर और किस तरीके से लोगों को फायदा मिलेगा। निरुभिषा के साथ अपना शुक्ला जिमडे न्यूज कानपुर। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।